फिरोजाबाद से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज विकास कार्य की समीक्षा करने फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट उत्तर प्रदेश में गायों की मौतों के बारे में, राज ठाकरे को अयोध्या में न घुसने देने के बारे में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता संगीत सोम के बयान के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय तो यह नहीं कहा था कि लोगों को राशन कार्ड की सरेंडर करने पड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। जो गुंडा है, माफिया है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। अगर उनको कोई दिमागी पीड़ा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा ले। हमारी सरकार आम जनता के लिए, गरीबों के लिए समर्पित है। गुंडों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति हम नहीं करते। हमारी सरकार काम नहीं करती है। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। गरीबों का हक कोई गुंडा खाए, माफिया खाए, अधिक है, वो हमारी सरकार को स्वीकार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी पीड़ा होती होगी, कोई ज्यादा पीड़ा है तो किसी डॉक्टर से अच्छे इलाज करा ले। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गुंडों के लिए समर्पित नहीं। वह उनकी पार्टी गुंडों के लिए समर्पित है, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए समर्पित है, तुष्टिकरण के लिए समर्पित है। हमारे और उनके बीच में अंतर ये उत्तर प्रदेश में जर्जर होगी, उसको ठीक करेंगे। उसी कार्य योजना मंत्री जिला योजना समिति बनाए। सर मैं उत्तर प्रदेश में गायों की रख रखाव न रखने के कारण मौतें हो रही है। फिरोजाबाद में विधायक जी ने खुद एक गौशाला का निरीक्षण किया, आपके बगल में बैठे हैं। 5 गायों की मौत एक दिन में हुई। मऊ में आज 17 गायों की मौत है। लावारिस जो गाय हैं, इनका कोई इलाज क्यों नहीं हो रहा है? इलाज हो रहा है। इलाज न होता तो लाखों गाय गो आश्रय स्थल पे नहीं होती। इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया है कि गोचर भूमि एक एक इंच खाली करा करके वो गौवंश की सेवा के लिए समर्पित की है। मेरा सर एक क्वेश्चन और है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि राज ठाकरे जब तक माफी नहीं मांगेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं नहीं जानता हूँ सांसद जी किस लिए कहे, मुझे बताया नहीं उसने। उन्होंने किस लिए कहा मैंने सुना नहीं। आप फिरोजाबाद से रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए। आप तो प्रदेश के नेता हैं, तो फिर प्रदेश के नेता अयोध्या में रामलला का दर्शन कोई भी कर सकता है। श्री अखिलेश यादव जी भी कर सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी कर सकते हैं। तो क्या राज ठाकरे आके कर सकते हैं? कर सकते हैं, करने। लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का अपमान न करे, यही उन्होंने कहा। शायद मैंने सांसद जी का जो बयान देखा। सर एक क्वेश्चन है। संगीत सोम भाजपा के नेता कहते हैं 92 में बाबरी का हुआ और 2022 में ज्ञानवापी होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल का कोई मतलब नहीं? नहीं सवाल तो ये आज इतनी विकास से जुड़ी हुई अच्छी फिरोजाबाद की चर्चा हो रही है। फिरोजाबाद के अंदर ऊपरगामी पुल बनाए गए हैं पद यात्रा वाले, लेकिन फिर भी लोग उन पर चढ़ के जाम लगाते हैं, चौराहे से क्रॉस करते हैं। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जेके न्यूज़।